नमस्कार दोस्तों, दीक्षा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी। और इस आइसक्रीम को मैंने घर में रखे सिंपल सामान से बनाया है। ये आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 पैकेट ऑरेंज फ्लेवर क्रीम के बिस्किट। तो आज हम इन्हीं से बनाएंगे मार्केट जैसी बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम। अब हम सारे बिस्किट के पैकेट को खोल लेंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है ये, 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा हमारा। और ये लीजिए, मैंने सारे पैकेट से बिस्किट निकाल लिए हैं। ये देखिए अंदर से ये बिस्किट ऐसे हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और सारे बिस्किट को तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। जब भी आप आइसक्रीम बनाएं तो हमेशा क्रीम बिस्किट ही लें। क्रीम बिस्किट में होता है फ्लेवर एसेंस, तो आपको कुछ और नहीं डालना पड़ेगा और आपकी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनेगी। इतने बिस्किट में 3-4 लोगों को सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे बिस्किट तोड़कर जार में डाल दिए हैं। अब हम लेंगे 2 चम्मच चीनी। बिस्किट पहले से ही मीठे हैं तो चीनी डालने के बाद हम सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने बिस्किट और चीनी को पीसकर पाउडर बना लिया है, बिल्कुल परफेक्ट पाउडर बन गया है। अब हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो अब हम डाल देंगे, ये मैंने 3 चम्मच अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की जो मलाई है उसे डाल सकते हैं, उसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी दूध। ये दूध बिल्कुल ठंडा है, फ्रिज का दूध है। सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार है और एकदम परफेक्ट पेस्ट बना है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे आइसक्रीम जमाने के लिए एक बर्तन। तो ये मैंने आइसक्रीम का एक कंटेनर लिया है, सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अब इसको कवर करके 5-6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे और जब ये जम जाएगी तब इसको निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने 6 घंटे के बाद आइसक्रीम को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी जमी है, मस्त रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। किचन में बहुत गर्मी लग रही है और आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, घर में ज़्यादा सामान भी नहीं है, तो आप ये आइसक्रीम एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनती है ये आइसक्रीम और आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे बिस्किट से बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।